So hello guys, welcome back to my YouTube channel Jurassic Gamers. So, कैसे हैं भाइयों के हाल चाल? I hope guys आप सभी अच्छे होंगे. तो guys आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने last weekend में यहाँ पे videos upload नहीं करी. लेकिन कोई बात नहीं guys, रात नहीं बात गई. और आज नया दिन है और आज के लिए हम focus करते हैं. तो चलिए guys, बिना किसी ढिलाई के आज का episode हम शुरू करते हैं. तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने हमारे जुरासिक गेम में कर ली है. मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, बस आप बैठ के गिनती कीजिए. तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमने गॉर्गोसूचस को यहाँ पर हमने हैचरी से लिया और गॉर्गोसूचस को फाइनली क्रिएशन लैब में लेवल 20 होने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया है, जो कि काफ़ी ओपी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम गॉर्गोसूचस लेवल 20 देखने वाले हैं. और साथ ही साथ गाइस आज का जो एपिसोड है वो सबसे ज़्यादा ओपी है क्योंकि गाइस हमने यहाँ पर फाइनली ऑस्टियोपोरोसिस को हमने यहाँ पे लेवल 20 कर दिया है और कुछ इस तरह से दिखता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस. आप सभी देख सकते हैं काफ़ी ओपी दिख रहा है. ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे लेवल 20 हो चुका है और यहाँ पर इसका जो अटैक है वो 912 और यहाँ पर जो इसका हेल्थ है वो ऑलमोस्ट 2400 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी बनाता है यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस को, जो हमारा एम्फीबियन डायनासोर है. तो चलिए यहाँ पर हमने ऑस्टियोपोरोसिस को देख लिया है और हम आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमें हमारे चैनल को हमारे जुरासिक फैमिली को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द क्या कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हमारी जुरासिक फैमिली ऐसे ही आगे बढ़े, आप सभी का सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही ओपी ओपी डायनासोर्स जुरासिक फैमिली के अंदर लेके आते रहें. तो चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं एपिसोड में. यहाँ पर हमने ऑस्टियोपोरोसिस को यहाँ पर फाइनली बना लिया है. ऑस्टियोपोरोसिस को हम यहाँ पर गेम के अंदर भी यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे उसकी पावर, उसका हेल्थ कितना ज़्यादा ओपी होने वाला है. तो चलिए गाइस यहाँ पर इसके बाद में हम देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने की है. यहाँ पे हमने सबसे पहले हम इस कार्ड को कलेक्ट कर लेते हैं. अगर गाइस आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो आप उसे ध्यान मत दीजिए, गेम पे फोकस करिए, गेम को देखिए, काफ़ी ज़्यादा ओपी. तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस देख लिया है. साथ ही साथ हमारे हैचरी के अंदर यहाँ पर हमने बेंजोमस, बेंजोमस को हमने यहाँ पर दोनों को हमने कलेक्ट कर लेते हैं. तो गाइस आप देख रहे हैं ना, मतलब कितना कुछ यहाँ पर हो चुका है गेम के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा करीब है एलोगोसॉरस और बेंजोगुमस को यहाँ पर हाइब्रिड बनाने के लिए. हाइब्रिड बन के बनेगा हमारा एलोगुमस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी डायनासोर है. तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि एलोगुमस जल्द से जल्द जुरासिक फैमिली में आए और मैं भी चाहता हूँ. तो जो जो गाइस आप लोग एलोगुमस को यहाँ पर आना चाहते हैं आप लोग कमेंट करिए. तो चलिए गाइस यहाँ पर हम बाकी सारी चीज़ें क्लेम कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ हमें शायद पैक मिला है. चलिए अब पैक को भी देख लेते हैं. चलिए ये कुछ इतना ज़्यादा ओपी नहीं है. तो चलिए यहाँ पर इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, और सारे कुछ कॉइन्स वगैरह हम कलेक्ट कर लेते हैं. चलिए मैंने कॉइन्स वगैरह यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं. इसके बाद में चलिए बहुत ही सही, बाकी चीज़ें मैं बाद में देख लूँगा. तो ये हो गया गाइस हमने. और गाइस हमने आपके लिए एक और खुशखबरी है, मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी भी नहीं है लेकिन खुशखबरी आप बोल सकते हैं. तो गाइस यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ पूरा वीक में, मतलब जो आने वाला वीक है ना, हम डेली आपको एपिसोड देंगे. आप लोग डेली आइए और एपिसोड को देखिए और कैसे लग रहे हैं एपिसोड, साथ ही साथ कमेंट कीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. तो गाइस आप लोग एक हमारे आपके लिए खुशखबरी है और हमारे लिए भी खुशखबरी है कि हमें यहाँ पे टाइम मिल रहा है अभी कि हम यहाँ पर पूरा वीक आपको डेली नॉन स्टॉप यहाँ पर एपिसोड देने वाले हैं. तो गाइस आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिए. तो चलिए यहाँ पर हम ये बात मैं आपको बताने वाला था. तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने भी डोमिनेटर शेक ऑफ द अर्थ या तो जितने भी डोमिनेटर वाले इवेंट्स आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम एक बार डोमिनेटर जीत के जाए, क्योंकि हमारे पास फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए टाइम है, कुछ दिनों के लिए टाइम है, मजा नहीं आ रहा है करेंगे. तो आप लोग भी साथ के साथ सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट से
काफ़ी कुछ यहाँ पे होगा, हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा गेम खेलने के लिए और वीडियो गेम आने के लिए। तो चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर गेम को देख लेते हैं। गेम से पहले हम देख लेते हैं, गेम से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर गाइस एक इवेंट आया है, वर्ल्ड इवेंट बॉस। तो गाइस वर्ल्ड इवेंट बॉस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डीएनए मैंने कलेक्ट किया है वो ऑलमोस्ट 20,000 डीएनए है, जो कि जनता को काफ़ी ज़्यादा आप होता है गाइस मूर्ख गेमर्स समझना के बंद लिए। कर तो दीजिए। गाइस यहाँ पर हम एक और हमने यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम अपने आप को एक और यहाँ पर बोल देते हैं जुरासिक फैमिली के सामने कि हम यहाँ पर, अबे जल्दी बोल, कल हाँ सुबह एक और पनवेल चैलेंज निकलना हम है। दे देते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर देखना है, हमें यहाँ पर 89 जो पूरे यहाँ पर जितने भी 89 यहाँ पर है उसे हमें कंप्लीट करना है, ताकि हम देख सकें कि इस इवेंट के अंदर हमें कितने से कितने ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम कितना डीएनए हमें मिल सकता है। तो हम ये भी देखने वाले हैं कि मैक्सिमम डीएनए हमें कितना मिलेगा। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर बोरिंग हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई गेम भी नहीं खेला है, यहाँ पे हमने लड़ाई कोई भी नहीं लड़ी है, यहाँ पे बस हम इतने देर से बके ही जा रहे हैं। तो भाषण चलिए कुछ इस ज्यादा नहीं हो गया? चीज़ पे हम थोड़ा ध्यान देते हुए अब गेम पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले गेम खेल लेते हैं, और एक काम करते चलिए, हम इसकी शुरुआत हम यहाँ पर फिलहाल कर लेते हैं हमारे इस चैनल से ही। तो सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पर लेके जाता हूँ हमारे सिंपल डायनोस, ताकि क्योंकि यहाँ पर ठीक है, इसके बाद में हम 20 मिनट लेने वाले हैं हमारे डायनासोर। ये एम्फीबियन डायनासोर है, तो हमें यहाँ पर एयर टैंक लेके जाना पड़ेगा। स्कैबरोनकोसॉरस ठीक है, लास्ट में हम ले लेते हैं इसे। तो चलिए यहाँ पर वेट करते हैं गेम लोड होने का। जैसे गेम लोड होता है हम यहाँ पर गेम शुरू कर देंगे। क्या हो गया भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है गाइस? गजब बेइज्जती है। थाउजेंड ईयर्स लेटर। ओके चलिए फाइनली यहाँ पे आ चुका है हमारा अपोनेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, चलिए कोई नहीं, एक पॉइंट पे होल्ड पे रखता हूँ। तो अटैक दिया है इसने यहाँ पर और पूरी तरह से जीत कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। यहाँ पे 3 पॉइंट होल्ड पर, एक अटैक दिया है इसने वापस से, 2 पॉइंट डिफेंस पर, 4 पॉइंट होल्ड पर। हम यहाँ पे 4 पॉइंट का इसको अटैक देने वाले हैं। तो चलिए गाइस ओके, चलिए यहाँ पे हम यहाँ पर इसे चेंज करते हैं, और इसे मैं क्या करूँ, 3 पॉइंट डिफेंस पे, 4 पॉइंट होल्ड पर। ओके 4 पॉइंट का यहाँ पर इसने, 8 पॉइंट्स यहाँ पर है। तो ओके यहाँ पर 6 पॉइंट का यहाँ पर दिया अटैक और पूरी तरह ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं गाइस। यहाँ पर मैंने दिया है 5 पॉइंट का अटैक और यहाँ पर 3 पॉइंट होल्ड पर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओके, क्या यहाँ पे अटैक मिलेगा हमें? तो गाइस यहाँ पे अटैक नहीं मिला है, और पूरी तरह बनता है कि यहाँ पर ये 8 पॉइंट का अटैक्स देने वाला है। तो इससे पहले हम इसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है चलिए कोई नहीं। यहाँ पे हमने इसे ख़त्म किया फाइनली, यहाँ पे हमने फर्स्ट लेवल को हमने ख़त्म कर दिया है, और लेवल टू बॉस आ चुका है। लेकिन यहाँ पे गाइस अब हम ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि 6 के 6 अटैक दे गए हैं। सिलेमेंडर 16 काफ़ी ओपी है, लेकिन गाइस हमने अभी तक सिलेमेंडर 16 को हमारे जुरासिक फैमिली में नहीं लेके आए, थोड़ी दिक्कत वाली बात है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, सिलेमेंडर 16 को यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर लाइन से लाइन यहाँ पर हमें डीएनए की बारिश हो रही है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ओपी इवेंट है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इवेंट को खेलें और इसके लास्ट डीएनए तक जाए। हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है गाइस, मतलब लास्ट डीएनए तक जाए
और देखेंगे कि हमें कितने से कितने ज़्यादा यहाँ पर डीएनए मिल सकते हैं इस इवेंट से। मैं आपको बताऊंगा और काउंटिंग भी आपको करूंगा इस पूरे वीक में। तो हमारे लिए यहाँ पर चैलेंज है इस वीक के लिए। चलिए एक गेम हम खेल लेते हैं यहाँ पर। दूसरा गेम है गाइस हमारा यहाँ पर ये, चलिए यहाँ पर हम फाइट फॉर द फ्यूजन खेल लेते हैं। फाइट फॉर द फ्यूजन काफ़ी ही ज़्यादा ओपी वाला गेम होता है। और गाइस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है स्कॉर्पियस रेक्स। स्कॉर्पियस रेक्स को यहाँ पर हम स्कॉर्पियस रेक्स गाइस हम बना सकते हैं, पता है। हमारे पास में दोनों जो इसके जो दोनों पेरेंट डायनोस है ना वो हमारे पास में है। हम स्कॉर्पियस रेक्स बना सकते हैं, लेकिन गाइस हमें फाइनली फिलहाल अभी स्कॉर्पियस रेक्स का कोई मूड नहीं है यहाँ पर बनाने का। कोई दिक्कत नहीं गाइस, चलिए हम यहाँ पर गेम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमें लेना होगा, यहाँ पे हम एम्फीबियन टाइप ले नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गाइस यहाँ पे ट्राई करते हैं इंडोर रैप्टर के साथ में, क्या एक इंडोर रैप्टर यहाँ पे जिता सकता है हमें। लेकिन यहाँ पे हमें तीन तीन हाइब्रिड लेने हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं एलेंगोसॉरस, लेकिन गाइस एलेंगोसॉरस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हम लेते हैं मोनोस्टेगोस्टॉप्स को। मोनोस्टेगोस्टॉप्स भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं गाइस। इंडोर रैप्टर को लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लेंगे एलेंगोमस को, और लास्ट में हम लेते हैं डिप्लोटेटर को। तो चलिए यहाँ पे गेम हम खेलते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे टाइम होते जा रहा है, तो चलिए जल्द से जल्द इस गेम को ख़त्म करते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफेंस पर रखा है, देखते हैं अपोनेंट का क्या रिएक्शन आता है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे अटैक किया है, ओपी कोई गाय, बहुत ही ज़्यादा ओपी। तो चलिए गाइस अब मैं क्या करूँ, अब मैं करता हूँ यहाँ पे दो पॉइंट देकर हम यहाँ पे अटैक कर देते हैं हमारे हैकर डायनोस के ऊपर। और यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने अपोनेंट स्कॉर्पियस रेक्स। क्या गाइस आपने कभी इससे पहले यहाँ पे फाइट देखी है स्कॉर्पियस रेक्स वर्सेस स्कॉर्पियस रेक्स वर्सेस इंडोरैप्टर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे हम लेंगे डिप्लोटेटर को, और डिप्लोटेटर के साथ में हम यहाँ पे दो पॉइंट होल्ड पे रखेंगे। तो गाइस हमने सही किया, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियस रेक्स के पास में यहाँ पे पाँच पाँच पॉइंट्स का यहाँ पर था होल्ड पर, जो कि हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती। तो गाइस मैं यहाँ पर बाकी दोनों डायनासोर को एज अ फीड यूज़ करूँगा, ताकि हमारे इंडोरैप्टर के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिले और हम इजीली ये बैटल जीत सकें। तो चलिए यहाँ पर तीन अटैक दिया है, और यहाँ पर डाउन कर दिया हमारे एलेंगोसॉरस को। कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ पे इंडोरैप्टर बदला लेगा हमारे दोनों डायनासोर्स का। और यहाँ पे हमें सिर्फ तीन अटैक देने हैं, इसके बाद में यहाँ पे चलिए ठीक है तीन तीन पॉइंट डिफेंस पे। और क्या गाइस यहाँ पे गलती कर दी हमने, देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर। नहीं गाइस, तो यहाँ पे गाइस अब फाइनली हम बैटल जीत चुके हैं। आप लोग को ये बैटल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे 6-6 पॉइंट अटैक पर देकर हम फाइनली बैटल जीत चुके हैं, जो कि काफ़ी ओपी बैटल रही इंडोरैप्टर वर्सेस स्कॉर्पियन रेक्स, क्या ही ज़्यादा ओपी। तो चलिए यहाँ पर डीएनए कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे वैसे हमारे पास में डीएनए की जो डीएनए बैंक है वो पूरी तरह से लो हो चुका है, तो हमें यहाँ पे डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैग्लोसॉरस आया है, मैग्लोसॉरस आया है गाइस यहाँ पर हमारे शेक द अर्थ इवेंट में। लेकिन गाइस मैग्लोसॉरस हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत वाली बात है, हम शायद खेलें या ना खेलें सोचने वाली बात रहेगी। तो चलिए ये सब गाइस था, यहाँ पर काफ़ी इवेंट आए हैं, और हम यहाँ पर क्लैश ऑफ टाइटन को भी खेलेंगे, ताकि हम यहाँ पर फ्री के 500 बक्स और 2500 जो भी डीएनए है वो हमें मिले। और साथ ही साथ हमारे पास में सेग्नोसॉरस तो पहले से ही है, सेग्नोसूचोस हमने बना लिया है। तो चलिए यहाँ पर इतना कुछ था, यहाँ पे खेलने के लिए बहुत है, और आप लोगों के सामने बात करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहना क्या चाहते हो? धीरे धीरे
सारे इवेंट्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आपको जो जो मेन मेन चीज़ें आज बतानी थी, हमने क्या क्या यहाँ पे हमारे जुरासिक गेम के अंदर हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने लेके आई है, क्या क्या चीज़ें हमने क्रिएशन लैब में और हैचरी में हमने हमने कंप्लीट करी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप गाइस आपको आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आपसे विदा लेने का समय आ चुका है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।